आपका अंधविश्वास आपकी शिक्षा पर हावी होने लगे तो समझ लीजिए आप मानसिक गुलाम बन रही हैं। जिस प्रकार एक मजबूत चट्टान हवा से प्रभावित नहीं होता, उसी प्रकार एक बुद्धिमान व्यक्ति अपनी प्रशंसा या आरोपों से विचलित नहीं होता है। जो व्यक्ति सिर्फ बोलता रहता है वह ज्ञानी नहीं कहलाता, बल्कि जो व्यक्ति शांतिपूर्ण, प्रेमपूर्ण और निर्भय है वास्तव में वही ज्ञानी है। दुनिया में अज्ञान सबसे बड़ा अंधकार है, इसलिए ज्ञान की तलाश कीजिए, तभी आप अंधकार से बाहर निकल पाएंगे। विश्वास के बिना प्रेम असंभव है और प्रेम के बिना ईश्वर का मिलना भी असंभव है। अगर आप अशांत हैं, तो इसे बाहर ढूंढने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि इसे अपने अंदर ढूंढिए। अगर आप सच में स्वयं से प्रेम करते हैं, तो आप कभी भी दूसरों को दुख नहीं पहुंचा सकते। हजारों खोखले शब्दों को बोलने से अच्छा है एक वो शब्द जो शांति लाए। मंजिल और लक्ष्य को पाने के लिए यात्रा अच्छी होनी चाहिए। दुनिया में कोई भी चीज कितनी भी कीमती क्यों ना हो, लेकिन नींद, आनंद और शांति से कीमती कुछ भी नहीं। जिस प्रकार बूंद बूंद पानी से घड़ा भरता है, उसी प्रकार एक बुद्धिमान और अच्छा व्यक्ति थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके स्वयं को अच्छाई से भर देता है। दुनिया नहीं जानती कि हम सभी का अंत यहीं पर होना है, लेकिन जो लोग इस सच को जानते हैं, उनके सारे झगड़े एक ही बार में खत्म हो जाते हैं। जिस व्यक्ति का मन एकाग्र होता है, वही चीजों को उनके सही स्वरूप में देख पाता है। हमें अपने द्वारा की गई गलतियों की सजा भले ही तुरंत ना मिले, लेकिन समय के साथ कभी ना कभी अवश्य मिलती है। आपके पास जो कुछ भी है उससे बड़ा चढ़ाकर मत कहिए और ना ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। जो व्यक्ति दूसरों से ईर्ष्या करता है, उसे मन की शांति कभी नहीं मिलती।
अपने शरीर को स्वस्थ रखना आपका कर्तव्य है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही शांत मन का वास होता है। वह व्यक्ति जिसने खुद पर नियंत्रण हासिल कर लिया, तेजस्वी, स्पष्ट और सच्चा है, वही व्यक्ति गेरुआ वस्त्र धारण करने के लायक है। देखते समय सिर्फ देखें, सुनते समय केवल सुने, महसूस करते समय सिर्फ महसूस करें और सोचते समय केवल सोचें, यही वास्तविक कर्म है। दुनिया हमेशा से प्रशंसा करने और दोष निकालने का रास्ता ढूंढती आई है, हमेशा यही होता आया है और यही होता रहेगा। अगर कोई काम करने लायक है तो उसे पूरे मन से करो, तभी उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी।